अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अभी बहसियत याकूतपुरा कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल करके आया हूँ। मेरी पार्टी से मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब के खास निगरानी के अंदर मुझे ये मौका दिया गया था। मैं सबसे पहले अल्लाह उसका रसूल का शुक्र बजा लाता हूँ, उसके बाद में नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उसके साथ साथ मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के तमाम याकूतपुरे के कारपोरेटर्स, नुमाइंदा कारपोरेटर्स, साबिका कारपोरेटर, साबिका नुमाइंदा कारपोरेटर, इन सब के साथ साथ मेरे मोहसिन मेरे भाई जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी साहब रुकन असम्बली याकूतपुरा मोतमद अमूमी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरे बड़े भाई जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब MLA चार मीनार, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जनाब यासिर अरफात साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और जनाब सिराज साहब का और उसके अलावा जनाब इकराम साहब का और तमाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर चाहने वाले जितने भी लोग याकूतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक़ रखते हैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबहानहु तआला अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की एक तारीखी बेहतरीन कामयाबी हलके याकूतपुरे से होगी। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और तमाम मैं याकूतपुरे के आवाम से तहे दिल से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग की ताउन की ज़रूरत है, आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन एक वाहिद ऐसी सियासी जमात है जो न सिर्फ अवाम के दरमियान में रहती है, अवाम के मसाइल को हल करने की पूरी पूरी कोशिश करती है, जिसके लिए मुझे अल्लाह ने जो मौका दिया है इंशाअल्लाह मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करूँगा। याकूतपुरे की अवाम को मैं वादा करना चाहता हूँ मुझसे जो भी जायज़ काम होता वो तमाम जायज़ कामों को पूरा करूँगा और जो भी बाकी डेवलपमेंट काम है वो डेवलपमेंट कामों के लिए भी भरपूर कोशिश करते हुए इंशाअल्लाह ताला याकूतपुरे को एक मिसाली हलका बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा।